हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मटन बनाएंगे। मटन को अच्छी तरह साफ कर ले धोकर। मटन के लिए प्याज, 3 प्याज मैंने टुकड़ों में काट लिया है। लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, मिर्च का पेस्ट 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, मिर्च पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, सूखी मिर्च 3, तेज़पत्ता 4, मीट मसाला। आलू को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, 2 टुकड़ों में काट लिया है। मटन बनाना बहुत आसान तरीका है, मैंने बहुत आसानी से मटन बनाया है। नमक 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, मिर्च पाउडर, प्याज 2 प्याज मैंने बारीक काट के डाल दिया है, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, धनिया का पेस्ट, जीरा का पेस्ट, मिर्च का पेस्ट, सरसों तेल 2 चम्मच डाले, अच्छी तरह मिक्स कर ले। एक घंटे के लिए ढक कर रख दे, मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ाया है, सरसों का तेल डालें, आलू को हल्का सा फ्राई कर ले, हल्का ब्राउन होने दे। ब्राउन होने के बाद रख दे आलू को। वही तेल में फिर सरसों का तेल डाले, जीरा डाले, तेल गर्म होने के बाद जीरा डाले, सूखी मिर्च डालें, सूखी मिर्च को अच्छी तरह फ्राई कर ले, प्याज डालें, तेज़पत्ता डालें, हल्का ब्राउन होने दे। मीठा हमारा 1 घंटा रख दिया था हमने, अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मटन को डाल दे। डालने के बाद ढक के रखें, देखिए मीट से हमारा कितना सारा पानी निकल आया है। पानी को अच्छी तरह सूखने दे, बीच बीच में हिलाते रहे। मीट मसाला डालें 2 चम्मच, अच्छी तरह मिक्स करें। आलू डालें, फ्राई किया हुआ आलू, अच्छी तरह मिक्स कर ले।
मिक्स करने के बाद गरम पानी डालें। लो फ्लेम में ढककर रख दें। अच्छी तरह बॉईल होने दें आधा घंटे के लिए। मटन हमारा बनके तैयार है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।